Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने जा रही है क्योंकि दोस्तों इस YouTube चैनल पर 100 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में आपको तहे दिल से थैंक यू कहता हूं यार, आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसा 3 ऐसे मोबाइल शेयर करने जा रहा हूँ जो गेमिंग को लेकर बहुत ही कमाल के मोबाइल है। वैसे यार आप गेमिंग के मोबाइल अगर आप लेना चाहते तो आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे आपको उतने ज्यादा अच्छे मोबाइल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं जो आपके साथ 3 मोबाइल शेयर करने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे बजट मोबाइल है। 25,000 की रेंज में मोबाइल आपको मिल जाएंगे। यार वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग YouTube सर्च से ये वीडियो देख रहे हैं यार, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन पर क्लिक कर देना। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये वीडियो उन तक नोटिफिकेशन की वजह से पहुंची है, आप सब लोगों का यार बहुत बहुत शुक्रिया। यार आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना क्योंकि यार ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। बहुत ज्यादा सोच समझ कर बिना ज्यादा बकवास की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो आप सामने स्क्रीन पर गेम प्ले देख रहे हैं, ये पबजी गेम खेला जा रहा है नोकिया 5.1 प्लस से। दोस्तों ये मोबाइल आपको फाइनल प्राइस में 25,000 की रेंज में मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस मोबाइल के चिपसेट की, तो यार इस मोबाइल में आपको मीडिया टेक हिलियो P70 का चिपसेट मिलता है। दोस्तों जो छोटी गेम्स हैं उनको तो ये मोबाइल बहुत अच्छी तरह से रन करता है, लेकिन यार जो बड़ी गेम्स हैं उनको भी ये मोबाइल बहुत अच्छी तरह से रन कर लेता है। दोस्तों जो पबजी गेम है इसको आप दोस्तों मीडियम सेटिंग पे बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं इस मोबाइल पर। इस मोबाइल में आपको 3GB रैम मिल जाती है और 3060mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। दोस्तों जो दूसरा मोबाइल है इस लिस्ट में हमारे पास दोस्तों वो है होनर 8C। यार ये मोबाइल आपको फाइनल प्राइस में भी 25,000 की रेंज में मिल जाएगा। 6.26 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है इस मोबाइल में। दोस्तों आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं पबजी खेला जा रहा है इस मोबाइल से, तो बहुत ही ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस है इस मोबाइल की गेमिंग को लेकर। बात करें इस मोबाइल के चिपसेट की, तैयारी इस मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन 632 की चिपसेट मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोबाइल के GPU की, यार इस मोबाइल में आपको एंड्रीनो 506 का GPU मिल जाता है। इस मोबाइल में आप पबजी मीडियम सेटिंग पे बहुत अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल का मोबाइल है 25,000 की रेंज में। दोस्तों इस लिस्ट में हमारे पास जो तीसरा मोबाइल आता है यार, वो है वीवो का वीवो Y91। तीन मोबाइल आपको पाकिस्तान में फाइनल प्राइस में मिल जाएगा 26,000 की रेंज में। यार इस मोबाइल में आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, 4020mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। दोस्तों अगर हम बात कर लें इस मोबाइल के चिपसेट को लेकर, तो यार इस मोबाइल में आपको मीडिया टेक हिलियो P22 की चिपसेट मिल जाती है इस मोबाइल में। दोस्तों इसके अलावा आपको 3GB रैम मिल जाती है। अगर हम बात कर लें दोस्तों पबजी को लेकर, तो यार स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पबजी गेम खेला जा रहा है। दोस्तों मीडियम सेटिंग में आप पबजी को रख के बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं। मेरे लिहाज से ये 3 मोबाइल गेमिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा कमाल के थे 25,000 की रेंज में। यार मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।